हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मनी मन 3 बार कह सकते हो एंड देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको जो नहीं कह पा रहे हैं। जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, डेथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वाह, द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स, राइट? एस ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, नाइन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, दो कढ़ाई है मैं नहीं लूंगी, 2 ऑफ कप्स, हायरोफेंट। वाह, बहुत सारी एनर्जी। देखिए आपके पर्सन, अगर आप कार्ड से देख लो तो कितने सारे कार्ड से, यानी ये सारे खुद निकले हैं, है ना? तो आपके पर्सन कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे जो नहीं कह पा रहे हैं, है ना? उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो आपके पर्सन ना आपके साथ एक हायर लेवल ऑफ एक कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ सोल बॉन्ड फील करते हैं, जो उन्होंने आपके साथ फील किया, उन्होंने किसी के साथ भी कभी भी फील नहीं किया है। जितना नज़दीक आप उनके गए हो, उतना नज़दीक कोई भी उनके पहुंच नहीं पाया है। आपके पर्सन देखिए आपसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ द लवर्स का एनर्जी है, जो क्लियरली बताता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो, लेकिन आप दोनों के अंदर इक्वल म्यूचुअल लव है। जितना आप उनसे प्यार करते हो, उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। मास्कुलिन फेमिनिन का एनर्जी है, शिव शक्ति का एनर्जी है ये। आप दोनों एक ही हो, आप दोनों का सोल एक ही है, भले बॉडी अलग हो, जितना मैं फील कर पा रही हूँ, है ना?
आपके पर्सन भगवान से मौका मांग रहे हैं, एक और जजमेंट का एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत दिन रात प्रे कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए कि ये कनेक्शन बने, जल्द से जल्द बने। मुझे लगता है उन्हें बहुत जल्दी है इस कनेक्शन को आगे बनाने की या फिर इस कनेक्शन को आगे ले जाने की। आपके पर्सन हाईली 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 पैशनेट हैं आपकी तरफ, बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैशन आपके पर्सन आपको लेके फील करते हैं। उन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक अलग पावर है, आपके अंदर एक अलग एनर्जी है। मे बी इट्स कनेक्टेड विथ योर वर्क, या बट आपके बगैर वो एक लॉस की एनर्जी में रहते हैं हमेशा। मुझे लगता है या तो आप दोनों के बीच में कम बातचीत हो रही है या फिर नहीं बातचीत हो रही है, और जो भी बातचीत हो रही है वो सरफेस लेवल पे बातचीत हो रही है, तो इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपके पर्सन किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते, आपके पर्सन आपको किसी के साथ भी किसी के साथ देख भी नहीं सकते, आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते, भले ये सारी बातें उन्होंने कभी आपको बताई हो या ना बताई हो, बट दैट्स अ फैक्ट। कार्ड्स बहुत यू नो द एनर्जीज इतनी स्ट्रोंग हैं उनके अंदर आपको लेके, शायद मैं तो बहुत कम ही बता पाऊँ, लेकिन उनके अंदर और भी बहुत सारी एनर्जीज होंगे जो वो आपको बताना चाहते होंगे। आपके बगैर बहुत उदास है, आप लोगों के बीच में ये देखो मेजर मेजर पॉसिबिलिटी है, कम बातचीत हो रही होंगी या फिर नहीं बातचीत हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत सरफेस लेवल पे बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक लॉस की एनर्जी में है ना। लेकिन आपके जो भी पर्सन हैं आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में अगर किसी भी तरह के इश्यूज है तो आपके पर्सन बिल्कुल 100% उसको ठीक करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने बहुत सारा पेशेंस रखा हुआ है इस कनेक्शन को यू नो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, या फिर इस कनेक्शन को सही ढंग से ले जाने के लिए। मुझे नहीं लगता अब आपके पर्सन इस एनर्जी में कि वो किसी भी तरह की गलतियाँ कर सकते हैं। आपके पर्सन बिल्कुल भी एक भी पर्सन कोई गलती नहीं करेंगे अपनी तरफ से इस कनेक्शन को आगे ले जाने में। हो सकता है पास्ट में कुछ भूल हुई हो, या फिर कभी कभार होता है ना अनजाने में हो जाती है, वो भी एनर्जी फील हो रही है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। बहुत सीरियस है आपके पर्सन आपको लेके, इस कनेक्शन में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो देखिए आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, है ना। उनकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, बिकॉज उनके अंदर बहुत कुछ है और वो इस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उनके दिल में अनकंडीशनल ओवरफ्लो ऑफ लव है आपके लिए। देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो बात करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, राइट वे में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइस। हाँ जी, वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन है ना उनकी रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं और पूरे दिन का चैन भी उड़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है वो 24 घंटे आप ही के बारे में सोचते हैं। वो कितनी कोशिश करते होंगे आपकी तरफ से यू नो ध्यान हटाने की या फिर थॉट्स हटाने की, लेकिन वो हटते नहीं है, फॉर द टाइमिंग हट जाते होंगे या कुछ सेकेंड्स के लिए हट जाते होंगे, देन अगेन वही खिंचाव वही पुल। अफेक्शन आपके लिए बहुत फील करते हैं, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स उनके अंदर आपके लिए भर भर के हैं। पर पता नहीं शायद ये सारी चीज़ें ना एक्सप्रेस करने से डरते हैं या फिर इनके लिए स्ट्रगल है ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना। रीज़न मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में देखो डिफरेंसेस हो सकते हैं, दिस कार्ड शोज लॉट ऑफ डिफरेंसेस। आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग का बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड होंगे, कोई एक डिफरेंट कंट्री में होगा, दूसरा कोई डिफरेंट कंट्री में होगा, या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। कास्ट का डिफरेंसेस हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी ना जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं या फिर इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटेज करते हैं, है ना। इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटेज करते हैं या फिर आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, कहीं ना कहीं आपसे रनर एनर्जी में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे यू नो छुपते, आपसे मतलब वो छुपते होंगे बिकॉज ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, लेकिन उनके दिल में एक बहुत यू नो एक फीलिंग है कि अगर इस रिलेशनशिप में चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, चाहे कितने भी यू नो हिंड्रेंसेस हो, वो सबको पार करके मे बी शायद आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं,
या फिर एक विक्ट्री चाहते हैं, बिकॉज दिस कार्ड शोज विक्ट्री, आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं। बहुत सेल्फ साबोटेज करते हैं, भागते हैं आपसे, आपसे नहीं, वो एक्चुअली खुद से भागते हैं। ये उनको खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर वो खुद को हील नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा एनर्जी में रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स भी उनको काफ़ी, क्या बोलूँ, उनको काफ़ी पुल करते हैं आपकी तरफ, सॉरी पुश करते हैं आपकी तरफ। आपके साथ एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, पावरफुल हो, अट्रैक्टिव हो। आप शायद एक फेमिनाइन हो सकते हो या फिर एक मैस्कुलिन। देखिए, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, जैसी होंगी प्लीज़ आप वैसा लीजिएगा। यस, कहीं ना कहीं वो आपको देखते हैं कि आप बहुत हाई रिगार्ड्स में हो, एंड आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, एंड आपको काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं कि व्हाट एवर यू आर डूइंग, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप जो भी कुछ कर रहे हो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एंड आपके साथ वो एक फुलफिलमेंट चाहते हैं। आपको कुछ सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाट यू डिज़र्व, आप क्या डिज़र्व करते हो या करती हो। वो आपको कोई, उन्हें ये पता है कि वो आपको, आई मीन लाइक कैसे कहूँ, आपके साथ एक चाइल्डिश एनर्जी में रह के या इमेच्योर एनर्जी में रह के या फ्लर्ट करके तो वो नहीं चला सकते इस कनेक्शन को। आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑफर करना चाहते हैं। जिसका कुछ, जिसकी कुछ बुनियाद हो, राइट, इक्वल म्यूचुअल। अब आप देख सकते हैं टू ऑफ कप्स का एनर्जी है, आप दोनों में ही बहुत प्यार होगा एक दूसरे को लेके। लेकिन हम अभी अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखें तो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट वो आपसे फील करते हैं। आपके पर्सन एक डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं, बहुत बड़ा ईगो है उनका। आपके पर्सन एक डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं, और आई डोंट नो, अगर पॉसिबल है तो आपसे शादी करना चाहते हैं, बिकॉज दिस कार्ड शोज मैरिज ऑल्सो। अगर पॉसिबिलिटी है तो आपके साथ शादी करके घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ से देख लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वाओ, सक्सेस कहा ना मैंने, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में 100%। आपके जो भी पर्सन है वो विक्ट्री चाहते हैं, न्यू विजन, डिवाइन उन्हें गाइडेंस दे रही है कि उन्हें आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। यस, करेज। करेज की भी कमी है आई थिंक, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस और जो भी कुछ है, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। फ्लावरिंग, चेंज कॉन्शियसनेस। देखिए, आपके पर्सन थोड़े नेगेटिव हैं इस कनेक्शन को लेके, उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि पता नहीं ये कनेक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। उनके अंदर पूरा ट्रस्ट है, वो चाहते हैं इस कनेक्शन को 100% सक्सेसफुल करना, वो चाहते हैं इस कनेक्शन में एक अच्छा बदलाव लाना। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती है, कुछ उनके ऐसे पास ट्रॉमास हो सकते हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, या फिर काफ़ी कह सकते हैं एक फॉगी माइंडसेट में हैं। उन्हें नहीं पता ये सब कैसे करना है, लेकिन उन्हें सब करना है, ठीक है। उनको डिवाइन गाइडेंस दे रही है उनको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई एम फीलिंग लाइक वो इस कनेक्शन के लिए एक हिम्मत जुटाना चाहते हैं, और शायद वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इस कनेक्शन के लिए थोड़ा करेज लाइए। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दोनों की तरफ से करेज की ज़रूरत है, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। या तो आप भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इस कनेक्शन में, ये भी एक रीज़न हो सकता है, तभी वो ऐसा फील कर रहे हो, है ना। फ्लावरिंग का एनर्जी डेफिनेटली, वो आपको गॉडेस लक्ष्मी की तरह देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि यू हैव लॉट ऑफ फेमिनाइन क्वालिटीज़ एंड फेमिनाइन पोटेंशियल, एंड वो आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिकली
आपने काफ़ी कुछ गेन किया है या आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हो और उन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, लाइक ए गॉडेस लक्ष्मी। वही बात है, इस कनेक्शन में वो बदलाव लाना चाहते हैं, वो आपको अपना ही पार्ट समझते हैं। देखिए, दिस कार्ड शोज शिव शक्ति, वो इस रिलेशनशिप में, वो इस कनेक्शन में बदलाव लाना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ से देख लेते हैं वो क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं। आई रिग्रेट हर्टिंग जो आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में। मुझे ये मैसेज आ ही रहा था, चैनल हो रहा था जब मैं रीडिंग कर रही थी, कि शायद आपके पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। सबका सिचुएशन अलग होगा लेकिन उन्हें इस चीज़ का पछतावा है। अब जो कार्ड दिखा है मैं सिर्फ वो लूँगी। विद यू आई फील सेफ एंड हील्ड। वाव, द रियल मी विल डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। ओके, चलिए मैं इंट्यूटिवली ही ले लेती हूँ दो कार्ड। आई हैव अटैच्ड माई सेल्फ वर्थ विद यू, हाउ यू फील अबाउट मी। ओके, मुझे लगता है आपने भी अपनी फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया है अपने पर्सन को। एंड आई नो आर लव विल नेवर डाई। कैसे, हाउ, दिस इज अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। आई ऑलवेज टॉक अबाउट यू टू माई फ्रेंड्स। ओके, बहुत अच्छी बात है, वो आपके बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।